ठीक है। देखो लास्ट हमारा टॉपिक था क्या क्या देखे हम लोगों ने। लास्ट टॉपिक डिस्टिंक्ट क्लियर हो गया। डिस्टिंक्ट जिसको क्लियर हो गया वो लोग बोले डिस्टिंक्ट क्लियर। कौन? क्लियर है। हाँ काउंट क्लियर हो गया। डिस्टिंक्ट एंड काउंट। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग के लिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि शॉर्टिंग करना है तो कैसे करेंगे। प्री सेट यूज करते थे याद है? प्री सेट शॉर्टिंग करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। बट हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट है किसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम पहले हम देखते हैं शॉर्टिंग करने का इंटीजर वैल्यू। देन इसके बाद हम देखेंगे क्या स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट या एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट को कैसे शॉर्ट करते हैं। ठीक है नेक्स्ट आ जाओ क्लास जावेट पैकेज डिस्टिंक्ट शॉर्ट। क्लास का नेम बी पास मान लो लिस्ट है। लिस्ट टाइप इंटीजर न्यू अरे लिस्ट या फिर डायरेक्ट ऐसा ना लेके क्या इंटीजर लिस्ट अरे क्लास अरेस क्लास डॉट एज लिस्ट। और इधर हमारे पास 23, 21, 25 67, 43, 49, 54, 76, 10, आपको क्या करना है शॉर्ट करना है। ठीक है ये हमारे पास डेटा है। शॉर्ट करने के लिए क्या करना होगा बोलो। हमारे पास एक शॉर्टेड मेथड है शॉर्टेड मेथड लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट शॉर्टेड। शॉर्टेड मेथड शॉर्ट करने की बात। शॉर्टेड मेथड इंटरमीडिएट ऑपरेशन है टर्मिनल। शॉर्टेड मेथड इंटरमीडिएट है टर्मिनल इंटरमीडिएट है ना इंटरमीडिएट ऑपरेशन। तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन अगर आप प्रिंट करोगे तो क्या आउटपुट आएगा उसका रेफरेंस स्ट्रीम का रेफरेंस। बट हमें क्या चाहिए रेफरेंस चाहिए या फिर डेटा डिस्प्ले कराना बोलो प्रिंट करना है ना। जो भी शॉर्ट की हो डेटा फॉर ईच मेथड पास करो इसमें डेटा डेटा नहीं है कुछ भी रेफरेंस नंबर ले लो डेटा इक्वल टू एस आउट डेटा डिस्प्ले कर। देखो यार शॉर्ट हुआ अपना तेरा डेटा शॉर्ट हुआ तेरे का लिस्ट से डेटा शॉर्ट कर दिया 10, 21, 23, 25, 29, 43, 45, 76, 76 एंड 89। साक्षी जी सर। शॉर्ट हुआ जी सर। जावाइट से आपको शॉर्ट करना है तो आपने क्या किया सिंपल शॉर्टेड मेथड। शॉर्टेड मेथड का काम क्या है शॉर्ट कर। ठीक है बट प्रॉब्लम क्या है
देखो इंटीजर है यहाँ पास, टाइप क्या है इंटीजर, इंटीजर कौन सी क्लास है, यूजर डिफाइंड या प्री डिफाइंड? प्रीडिफाइंड। प्री डिफाइंड, इसका मतलब ये है कि इंटीजर क्लास के पास खुद के क्या है, मेथड है, कौन सा मेथड, इसके पास शॉर्टिंग करने के लिए खुद से ओवरलोड किए गए मेथड, मेथड का नेम क्या है, कौन सा मेथड यार, शॉर्ट करने के लिए कंपेयर करना जरूरी है ना एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को, कंपेयर टू वेक्टर, कंपेयर टू मेथड या फिर कंपेयर मेथड, कंपेयर मेथड, ये देखो कंपेयर मेथड, इन्होंने क्या किया है, बना के रखा है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट, शायद मैंने आपको मिन एंड मैक्स में मैंने आपको बताया था इसके बारे में, याद है मिन एंड मैक्स? बताए थे ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर बस आपको वैल्यू वन कंपेयर करना है वैल्यू टू से, क्या है कंपैरिजन, वैल्यू वन लेस देन वैल्यू टू, अगर लेस देन है तो कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न करो माइनस वन, एल्स रिटर्न करो एक और स्टेटमेंट, तो एक और स्टेटमेंट क्या है फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एक स्टेटमेंट है कि दोबारा कंपेरिजन करो, एक्स इक्वल इक्वल वाई मीन्स वैल्यू वन इक्वल है वाई का तो रिटर्न करो जीरो, अदरवाइज रिटर्न करो वन, इसके बेस पे क्या किया जाएगा, शॉर्ट किया जाएगा, तो इसके बारे में मैंने सारा चीज आपको डेप्थ में मैंने बता दिया है कि कैसे इसको यूज करना है, ठीक है, तो ये कैसे शॉर्ट करेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग, हाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग बोलो, ये वैल्यू वन है ठीक है, वैल्यू वन वी वन, वी वन इसमें वैल्यू कितना है 10, 10 सेकेंड 20, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, कंडीशन ट्रू हो गया फॉल्स दोनों वैल्यू से एक्स और वाई, ट्रू ट्रू सर, कंडीशन ट्रू ट्रू सर प्लीज। कम, तो कंपेयर किससे किया जा रहा, पहले तो फर्स्ट वैल्यू होगा यस, कंपेयर करो यस किससे, ये लेस देन है या ग्रेटर देन, लेस है कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न करो माइनस वन, माइनस वन किधर आता है पुट करेंगे तो लेफ्ट या राइट, माइनस वन लेफ्ट जाएगा राइट, माइनस वन राइट ठीक है, माइनस वन राइट, अगर ये फिर से कंपैरिजन करो किससे कंपैरिजन होगा 20 से, इसमें क्या वैल्यू है 15, कंपैरिजन करो फर्स्ट वैल्यू 20 सेकेंड वैल्यू 15, फर्स्ट वैल्यू लेस देन 15 सेकेंड वैल्यू, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो ये लेफ्ट में जाएगा राइट में, लेफ्ट इधर आ जाएगा नेरिक्सन लेफ्ट को पढ़ने का बहुत ज्यादा हो गया, वो नेरिक्सन को आ जाए तो ठीक है, इस तरह से ठीक है मेथड को जाएंगे। शॉर्ट करता है, तो ये है पूरा इसका सिस्टम शॉर्टकट, तो जी इंटरनली इंटरनली मैं क्या काम हो रहा है, अरे माइक ऑफ करो यार, किसका ऑन है, पर माइक ऑफ करो, इंटीजर क्लास जो क्लास आप यूज कर रहे हो, इंटीजर क्लास के पास ऑलरेडी एक मेथड है डेटा को कंपेयर करने के लिए, इस क्लास के पास कौन सा मेथड है, कंपेयर मेथड ठीक है, बट अगर आपको शॉर्ट करना है इसका
स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट का डेटा सॉर्ट करना है, इसका डेटा। तो इसको डेटा सॉर्ट करने के लिए क्या करना होगा? हाँ, क्या स्टूडेंट क्लास के पास कोई कंपैरिजन के लिए कोई कंपेयर मेथड है क्या? नहीं, स्टूडेंट क्लास के पास ऐसा कोई मेथड नहीं है। फिर क्या करेगा वो? सॉर्ट करेगा। स्टूडेंट क्लास सॉर्ट करेगा, यस या नो? नहीं, स्टूडेंट अरे नहीं करेगा। कैसे सॉर्ट करेंगे बोलो? लिस्ट आपके पास है, लिस्ट लिस्ट यूज करोगे। यस, लिस्ट डॉट कौन सा मेथड? स्ट्रीम मेथड। देन नेक्स्ट कौन सा मेथड? नेक्स्ट कौन सा मेथड? शॉर्टेड मेथड। शॉर्टेड मेथड सर कंपेरेटिव कंपैरेटर कहां से आ जाएगा? शॉर्ट करना है ना, शॉर्ट करना है। तीनों कर देगा क्या वो? अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले? ध्यान से, आपको सुनते नहीं। आपको करना क्या है? शॉर्ट करना है ना। कंपैरेटर किधर आ जाएगा इधर से? कंपैरेटर शॉर्ट करता है क्या? कंपैरेटर क्या है? कंपैरेटर एक फंक्शनल इंटरफेस है। अगर आप मेथड में दोगे एज अ आर्ग्यूमेंट तो आपको उसका डेफिनेशन पास करना होगा, लैम्डा एक्सप्रेशन, है ना? मेथड कौन सा यूज कर रहा है? शॉर्टेड मेथड, ठीक है। हाँ, अगर ये शॉर्ट करके देता है डेटा तो आप इसको कलेक्ट करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं? मान लो मैं अभी फिलहाल के लिए प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए फॉर इच मेथड ये इसको पास करोगे, शॉर्टेड डेटा, है ना, एस डी शॉर्टेड डेटा, ठीक है। एरो लैम्डा एक्सप्रेशन एस आउट एस डी, हाँ, एम्प्लॉय का डेटा, सॉरी स्टूडेंट का डेटा आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ सारे रिकॉर्ड्स, तो यहाँ से लेकर इधर, ठीक है। इधर भी एक्स ठीक है। हमारा सिंपल क्या है? शॉर्ट करना है ये काम, ये लाइन। इससे पहले मैंने इंटीजर क्लास के बताया, बी क्लास में ये लाइन शॉर्टिंग का है ना, अरे शॉर्टिंग का है ना, अभी शॉर्ट किया था ना इंटीजर के वैल्यू। जी सर की हाँ, अब स्टूडेंट के वैल्यू को शॉर्ट करना है हमें। स्टूडेंट की वैल्यू शॉर्ट करने के लिए क्या है? लिस्ट 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 इस लिस्ट में कंटेन किया है स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ना, यस। तो आप क्या करो? सॉर्ट करो, सॉर्टेड। सॉर्ट करने के बाद डेटा प्रोवाइड करो, मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, फॉर ईच मेथड इसको डिस्प्ले करेगा। क्या ये शॉर्ट होगा? कास्ट एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन किधर से आ रहा है? क्लास कास्ट एक्सेप्शन जावा डॉट एट, ये कहाँ से आ रहा है? क्लास कॉम डॉट एट, डिस्टिंक्ट स्टूडेंट कैन नॉट बी कंपेरेबल। ठीक है, शॉर्ट नहीं होगा क्योंकि शॉर्टिंग के लिए लास्ट क्लास में क्या मैंने बताया था? शॉर्टिंग के लिए आपका जो स्टूडेंट क्लास है वो क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट कहाँ से आ रहा पैकेज का नेम? अच्छा, ये डिस्टिंक्ट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ए क्लास जो है डिस्टिंक्ट में चला गया है, बी क्लास का पैकेज मैंने अभी, अच्छा शॉर्टेड ये, ठीक है, कोई बात नहीं। आप चाहें तो यहाँ भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट क्लास, और चाहे तो पैकेज नेम चेंज कर देते हैं, कंफ्यूजन होगा ना। इसको सिंपल कंट्रोल एक्स करो, शॉर्टेड में डालो, इसको कर दो कमेंट,
और ये जो मैंने ऐड किया स्टूडेंट का रिकॉर्ड, कंट्रोल सी कर लो कॉपी, और इसको कर लो इधर, ठीक है, वहां से रिमूव कर दे सारी चीजें, ठीक है, नया लिस्ट बना, इधर ऐड कर दिया, इसको इसको अनकमेंट कर लो, इसका जाने छोड़। सिर्फ इस एक क्लास की रिक्वायरमेंट खत्म, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी, ओनली स्टूडेंट और क्लास बी की शॉर्टिंग करने की, ठीक। अभी मैंने शॉर्ट किया था इंटीजर के बेस पे, अब हम जा रहे शॉर्ट करने ऑब्जेक्ट, एक यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जिसके बेस पे शॉर्ट करना, ठीक है। तो शॉर्टिंग के लिए हमने क्या अप्लाई किया, शॉर्टेड मेथड, स्ट्रीम के पास एक क्या है, शॉर्टेड मेथड है, शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करने के बाद जो डेटा हमें मिले इसको डिस्प्ले कराओ। बट ये लिस्ट जो आपने पास किया है, ये लिस्ट एक स्टूडेंट टाइप का है, इस स्टूडेंट टाइप का होने की वजह से ये शॉर्ट नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास शॉर्ट करने का कोई भी मेथड नहीं है। तो कैसे शॉर्ट करोगे, आपको बोला जाएगा कि अगर आपको शॉर्टिंग करना है, कंपैरिजन करना है वन ऑब्जेक्ट से टू अनदर ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है, तो आपको इसको कंपेरेबल बनाना पड़ेगा या फिर यूज करना होगा कंपेरेटर, है ना। शॉर्ट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, या फिर कंपेरेबल या फिर कंपेरेटर। तो अभी हम इंप्लीमेंट कर ले रहे हैं समझने के लिए, क्या इंप्लीमेंट कंपेरेबल इंटरफेस, कंपेरेबल इंटरफेस टाइप किस टाइप का देना है, इधर किस टाइप की शॉर्टिंग करनी है, कौन सा ऑब्जेक्ट से, स्टूडेंट से, स्टूडेंट टाइप। तो स्टूडेंट टाइप आप प्रोवाइड करने के बाद आपको इधर स्टूडेंट, आपको एक मेथड दिया जाएगा कंपेरेबल, एक इसके पास एक मेथड है, कौन सा मेथड है, कंपेरेबल के पास कंपेयर टू मेथड है ना, कंपेयर टू मेथड है इसके पास कंपेरेबल के पास, इसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोलो। सर, मैं भी तो यही बोल रही थी। अरे तुम शॉर्ट, इस सॉर्टेड चाहिए भाई, सॉर्टेड इधर मैंने कहा लिखा, सर, वो स्टूडेंट टाइप का था तो वो कैसे शॉर्ट करेगा? या तो इंटीजर या स्ट्रिंग होता तो वो करता शॉर्ट। ऑब्जेक्ट टाइप था तो कैसे शॉर्ट करता? ठीक है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो आप कंपेरेबल या कंपेरेटर देना, लेकिन मैं इस मेथड की बात कर रहा हूँ, शॉर्टेड मेथड इसके पास है, कौन सा मेथड है, मेथड शॉर्टेड होता है, कंपेरेबल कंपेरेटर इंटरफेस है ना, मैं मेथड पूछ रहा था आपसे, कौन सा मेथड है, कंपेरेबल और कंपेरेटर मेथड है क्या, सर नहीं। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप वो आंसर देंगे ना, ठीक है। शॉर्टेड मेथड है, कंपेरेबल और कंपेरेटर एक इंटरफेस है, और कंपेरेटर एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसके पास एक मेथड है, कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड है कंपेरेटर के पास, कंपेयर मेथड ना, कंपेयर मेथड कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो इस मेथड को आप जानो शॉर्टेड मेथड है, बट ये शॉर्टेड मेथड शॉर्ट क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्टूडेंट क्लास के पास कोई मेथड नहीं है कंपेयर करने का, कंपेयर मेथड करने, कंपेयर करने के लिए हमने मेथड यहाँ पास क्रिएट कर दिया कि आप कंपेयर करो डेटा, कैसे कंपेयर करेगा, यहाँ पास बताओ लॉजिक बताओ कंपेयर करने के लिए, बोलो अब कंपेयर करने के लिए, लॉजिक क्या है, दो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है और दूसरा करंट ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो, इन दोनों को आप क्या करो कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करोगे,
इसीलिए तुम लोगों ने टास्क नहीं किया ना, क्या सर एस वन डॉट एस, सर एस वन डॉट एस आई डी डॉट कंपेयर टू, सर एस टू डॉट एस टू कंपेयर डॉट एस आई डी। टू किधर लिखें या पास क्या लिखें? सर रिटर्न में लिखेंगे ना सर, रिटर्न में क्या लिखें? एस सर वन एस वन, किधर है? एस वन, एस वन किधर है? एस1 क्या है? एस1 बोलो, एस1 क्या है? सर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस है सर, S1 S2 सर उससे कंपैरिजन होगा सर। सर किधर है एस1 बताओ तो, मैंने कहाँ लिखा है? लाइन नंबर बताओ, एस1 किधर लिखा है? कुछ अपने हिसाब से मान लो सर, आपको जो मानना, मैंने S1 माना है सर। अरे तुम मान कैसे लेंगे? वो तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा ना, आपस कैसे मांग लेंगे? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कैसे पुराना वाला भूल गया सर, मैं लैम्डा मांगेंगे? सर, मैं लैम्डा के हिसाब से बता रहा हूँ सर। पुराना वाला तो सर मैं भूल गया कैसे क्या करके, तो लैम्डा में करेंगे सर, इस तरह से बता रहा हूँ मैं। तो लैम्डा यहाँ पर यूज करेंगे इस मेथड में, बताओ। रिटर्न लैम्डा लिखूं? अरे करंट ऑब्जेक्ट ना, दिस डॉट एस आई डी ऐसे बोलो, हाँ सर, हाँ सर, देन लेस देन ओ डॉट एस आई डी किधर? इधर। नेक्स्ट, अगर ये क्या होते हैं, कंपेयर इफ कंडीशन रिटर्न -1, एल्स कैन कंपेयर, क्या कंपेयर करोगे? कंपेयर करो क्या? फिर क्वेश्चन मार्क, रिटर्न 0 एल्स 1, क्या कंपैरिजन होगा? दिस एक डॉट एस आई डी इक्वल इक्वल ओ डॉट एस आई डी। हाँ ये है, बोलो हुआ शॉर्ट? हाँ सर हो गया, हो गया सर। हाँ, इसमें मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया ना, ये इसी में तो फंडा है सारा चीज़ है। ये तो है, इसी को तो लिखना है। इसको अगर आप प्रॉपर समझ गए तो सेंडिंग रिसेंडिंग शॉर्टकट सब चीजें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब बस सिंपल हाँ आपको सर, क्या आपको बोला रिवर्स करना है, रिवर्स के लिए क्या करोगे? लेस देन की बजाय ग्रेटर देन कर लो बस। रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया 104 103। क्या नाम है? साक्षी, समझ में आया? सर वो तो पहले भी पता था लेकिन सर वो बोल नहीं पा रहे थे, ये याद ही अच्छा नहीं था, स्टेटमेंट ही नहीं याद था। बाकी ये तो स्टेटमेंट, बताया था आपने। अरे स्टेटमेंट मैंने यहाँ सबसे पहले ही स्टेटमेंट लिखा है कि आप लोग को याद आ जाए, और आप बोल रहे हो सर याद ही नहीं आ रहा था। नहीं सर याद था लेकिन कोई बात कलेक्शन में पढ़ाया था आपने नहीं, कलेक्शन में इसलिए मैंने बताया कि दुखे हो क्यों सर, बढ़िया से तो। पढ़ाया था। हाँ, एक एक चीजें पढ़ाया था आपको, मजा आया ना पढ़ने में? हाँ सर, अब रिवाइज करा रहे सारी चीजें ताकि आप बोलो मत, अभी बहुत रिवाइज करेंगे आपके आगे चल के। ठीक है, तो आपको क्या आइडिया मिला यहाँ से? कि कंपैरिजन करने के लिए डेटा को शॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो करंट ऑब्जेक्ट है और सेकेंड ऑब्जेक्ट जो अभी कंपेयर मेथड को दिया जा रहा है कंपेयर करने के लिए, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट
और कंपेयर करने के लिए मेथड हम अभी दे रहे हैं कि हमारे पास 104 है, ये करंट ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको दे रहा हूँ 103 से कंपेयर करने के लिए, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट 103 दे रहा हूँ कंपेयर करने के लिए कि कंपेयर करो क्या जो रिकॉर्ड है आपके पास इसमें ये 103 जो है अवेलेबल है किधर है, अगर है तो वो इक्वल है या फिर लेस है या फिर ग्रेटर है, उसके बेस पे उसको एडजस्ट कर दो। बस सिंपल फंडा यही है और कुछ भी नहीं है। बाकी अगर कोई डाउट हो, कुछ जिसको नहीं समझ में आया, कलेक्शन का मेरे लेक्चर देख रहा है, उसमें मैंने सारी चीजें डायग्राम से पूरा एक एक चीज प्रैक्टिकल बताया है। इतना टाइम नहीं है ना कि सारी चीजें फिर से दोबारा डिस्कस करें, वैसे इतना बड़ा हमारा कॉन्सेप्ट है। चलो इसको और शॉर्ट कर दे, इसको और शॉर्ट करें, शॉर्ट मतलब थोड़ा सा कंसाइज वे में बना, थोड़ा अच्छा बनाते हैं इसको। अब हमें मान लो एक सिंपल, अगर आपको ऐसे देना है तो ऐसे दे दो, नहीं तो आपको अगर कोई मेथड बनाना है सिंपल, कोई मेथड बोलो कि हम एक कम पेयर कंपेयर मेथड के लिए, कंपेयर टू नहीं यार, कंपेयर मेथड ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। पेयर इसको दो इनपुट देना है, फर्स्ट दिस ऑब्जेक्ट करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, सेकंड स्टूडेंट स्टूडेंट STU स्टूडेंट ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट और स्टूडेंट टाइप का, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ये देंगे। फर्स्ट कंपैरिजन करेंगे किसे कंपैरिजन, क्या कंपेयर मेथड अवेलेबल है अभी हमारे पास, ये कंपेयर नहीं यार ठीक है, कंपेयर पेयर क्या नाम है, कंपेयर STU ठीक है, STU कंपेयर STU स्टूडेंट को कंपेयर करने के लिए एक मेथड ठीक है। तो ये एक मेथड है जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हमारे क्लास में, तो मैं इसको सिंपल एक मेथड क्रिएट करता हूँ, प्राइवेट इंट कंपेयर STU, प्रोवाइड करो स्टूडेंट वन का रिकॉर्ड, स्टूडेंट टू का रिकॉर्ड, दो स्टूडेंट का डेटा मैंने पास किया। पास करने के बाद ये स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू, तो स्टूडेंट वन कौन है, S1 S2 यहाँ पास लिखें, S1 और ये S2 ठीक है, S1 और S2, S1 लेस देन S2, S1 लेस देन S2 इफ कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू रिटर्न -1, एल्स रिटर्न फॉल्स, फॉल्स में जाएगा तो फिर से चेक करो कंपैरिजन, कंपेयर करो S1 इक्वल इक्वल S2, S1 इक्वल इक्वल S2, कंपैरिजन करो इफ कंडीशन ट्रू रिटर्न 0 इक्वल टू अदरवाइज रिटर्न 1 ठीक है। होल्ड करो डेटा किसमें, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट टाइप का, इंट इधर लिखो STU STU और इधर पास कर दो STU ठीक है। अब S1 क्या कंपैरिजन करना है आपको, S1 की ID ना, या उसका सैलरी, या उसका नेम के बेस पे, तो सब जो भी आपको देना है तो आप यहाँ पर दे दो S1.SID, S1.SID, S2.SID, इसको कंपैरिजन करो, S1.SID, S1.SID ठीक है, बनाना इजी है, नहीं समझ में आया है, सेम कॉन्सेप्ट वही लिखा है, बस थोड़ा सा लेंदी कर दिया है कि एक अलग से मेथड बनाया है कंपेयर टू मेथड। यहाँ पास अब यहाँ पास आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं यहाँ कंपेयर टू मेथड का काम क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है और एक करंट ऑब्जेक्ट है, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट करंट ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए कंपेयर करने के लिए हमने क्या पास पास किया, दो आर्ग्यूमेंट,
कंपेयर एसटीयू मेथड को, एक एक ऑब्जेक्ट दिया रहा, दिस दिस जो है किसका रेफरेंस भेज रहा, स्टूडेंट का, यस, तो वो S1 में होल्ड होगा और S2 में ये होल्ड होगा दूसरा डेटा। इसके बाद S1 और S2 कंपैरिजन कर लेंगे, जो भी रिटर्न करेगा ग्रेटर है लेस है, 1 रिटर्न किया, -1 रिटर्न किया, 0 रिटर्न किया, उसके बेस पे शॉर्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी हुआ क्लियर? अब क्लियर है क्या? अभी भी नहीं हुआ सिर है क्लियर। नैनिका? क्या साक्षी, तुम्हारा पार्टनर तो कुछ बोल ही नहीं रही, बताओ साक्षी। सर वो आज ही ज्वाइन किए है ना। अच्छा, ज्वाइन की, ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो यार, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, चलो, सॉर्टेड क्लियर हो गया आपका? यस। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? ठीक मिन मैक्स सॉर्टेड स्ट्रीम और डिस्टिंक्ट काउंट और मैप, मैप हो गया, मैप किधर है, मैप, मैप फिल्टर, मैप फिल्टर समझ में आ गया, मैप का यूज क्या है, और कलेक्ट, कलेक्ट मैप फिल्टर मिन मैक्स। हेलो, यस सर। चलो ठीक है, आप लोग आज इतना रहो, कल नया टॉपिक आपको बताएंगे। चलो बढ़िया, नया टॉपिक, अभी और भी मेथड्स हैं बता देंगे। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर लो और इवनिंग वाला टास्क कंप्लीट करो फटाफट, है सभी लोग का मैं चेक करूंगा, इवनिंग का टास्क क्या दिया है, जाओ।